आज मैं ललित कुमावत ब्लॉग की शुरुआत करना चाहता हूँ। और मेरा दोस्त आज आया है, बहुत दिनों बाद मिले हम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? यो पब सब बढ़िया होंगे। कल सुबह हम 4:30 बजे ठीक मेरी ट्रेन है सांगली के लिए, जहाँ पे मैं अपना 10th पास किया था, जहाँ पे हम पहले रहते थे। अभी तो फिलहाल पुणे में है, तो इसके पहले रहते थे। तो अभी पुणे में आके 1 साल हुआ है, 1 साल पहले हम लोग सांगली में रहते। तो कल वहाँ पे जाने वाला हूँ कुछ काम से, सिस्टर का LC लेना है स्कूल से, तो मैं जाके आने वाला हूँ। जितने भी दोस्त हैं सबसे मिल के आने वाला हूँ वापस। मिलते हैं 1:30 बजे कल सुबह। अभी थोड़ा खाते हैं वड़ा पाव, बहुत दूर जगह है। ट्रेन में एक ही चीज मिलता है, वो है वड़ा पाव, अच्छा मिलता है। बाकी तो एक तो चाय या फिर वड़ा पाव, दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो गाइस फाइनली हम लोग सांगली में आ गए हैं। ये रहे अपने दोस्त लेने आए, तो काफी फिलहाल चलते हैं क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो बात नहीं कर सकता। तो गाइस अभी रिटर्न जाने के लिए अभी निकाला है टिकट भाई ने, तो अभी चलते हैं फिलहाल घूमने। इसको छोड़ना इसके घर पे और हम जाएंगे इसके घर पे, बिकॉज इसके घर पे स्टे करने वाला हूँ मैं आज। तो यहाँ पे कुछ मैटर हो गया है, काय है तो गाइस लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो गाइस फाइनली हम अपने दोस्त के घर पे आ चुके हैं। तो अभी ट्रेन है अपना ठीक 9 बजे, तो यहाँ से निकलने वाले 8:30 बजे। देख सकते हो इसके घर पे हम लोग रुके। इसका नाम ललित कुमावर और ये छोटा भाई उसका, जो इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी है, जस्ट बॉय नाम है। जबकि रोहित जिंदुरके ने भी इसकी स्टोरी लगाई थी अपने, मतलब मेंशन किया था इसको, जब इसने उसके ऊपर जब मतलब शायरी बोली थी अपने वर्ड्स में, तो उसका मेंशन किया था। और तो ये जस्ट बात भी होती है उससे, बात भी होती है, मतलब कि रोहित से बात भी होती है कभी कभी। इसकी हाँ हमारी नहीं, क्योंकि हमसे नहीं बात होती, इससे बस होती है। ये लोग स्टार है, इनसे बात होगी बहुत। हाँ बस बस ये तो अभी थोड़ा खाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। बचपन का दोस्त है। बस ये जो भी काम था मैंने कर लिया, तो अभी वापस आएंगे पुणे चलेंगे। मेरी ट्रेन है 9 बजे, यहाँ से 8:30 बजे 8 बजे निकल जाऊंगा। सो गाइस अब खाने बैठे फिलहाल, आंटी जी ने किया है खाना, ये मेरे दोस्त भी मेरे साथ बैठा है। तो अभी खाने के बाद जल्दी से निकलते बिकॉज बहुत देर हो जाएगी। तो ये भी आ रहा है खाने, तो लेट्स गो। अभी मिलते हैं डायरेक्ट स्टेशन में या फिर डायरेक्ट ट्रेन में मिलेंगे। सो गाइस अभी खाना खा लिए, तो अभी चलते हैं ट्रेन के लिए। देर हो रहा है, 8:30 बज चुके हैं। तो अभी मेरे को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपन रिक्शा से चले जाएंगे, क्योंकि इनके रात को ट्रैवल करना मतलब सही नहीं है। तो लेट्स गो, चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन पे। इसमें सोने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए ये टी शर्ट पहनता हूँ मैं। तो अभी रेलवे में आ गए हैं तो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली पहन लिया हम लोगों ने, तो अभी चलते हैं सोने। तो मिलेंगे कल सुबह जब मैं पुणे स्टेशन पे उतर जाऊंगा, तो तब तक के लिए गुड नाइट।
तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं, तो अभी सो के उठा ये जा रही है अपनी ट्रेन। यहाँ पे अपन थोड़ा मुँह फ्रेश करते हैं, ब्रश करके तो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हो गया था थोड़ा मिस्टेक, मतलब स्टेशन के पीछे का एग्जिट, तो अभी आगे वाले पे चलते हैं। अभी हम लोग अपने घर के थोड़े पास हैं। अंकल का रिक्शा हो गया था खराब, गैस खत्म हो गया था। ये हमारा चौक, यहाँ पे वड़ा पाव गाढ़ा वेड़ा सब लगता है। और इधर से अपने को अंदर जाना है, बट इधर से नहीं जाएंगे, वहां से सामने से जाएंगे। रास्ते में डॉग का बहुत खतरा रहता है, तो संभाल के चलना पड़ता है, कहाँ से आ जाए, बाइट भी कर सकते। तो गाइस ये रहा अपना इधर घर, हम लोग इधर से आए हैं, इधर अपना घर। ये मेरे मॉम का पार्लर, सभा ब्यूटी पार्लर। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी आएंगे अगले ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दो और मिलते हैं जल्द। तो तब तक के लिए बाय।